गुड मॉर्निंग क्लास 11 बायोलॉजी स्टूडेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट द नेक्स्ट किंगडम ऑफ विटेकर, दैट इज प्रोटिस्टा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस थ्री पार्ट्स ऑफ द प्रोटिस्टा किंगडम. नाउ द रिमेनिंग टू यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द यूग्लिनॉइड्स. व्हेनेवर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द यूग्लिनॉइड्स, इट मीन्स द फर्स्ट वर्ड कम इन आवर माइंड, दैट इज यूग्लिना. एंड व्हेनेवर this word come in your mind, then remember only one thing, it is the link between plants and animals. इसके बीच का लिंक है, प्लांट और एनिमल्स के बीच का लिंक है. अब भाई ऐसा क्या है, तो शुरुआत करते हैं इसके नेचर से कि कैसा है नेचर में. प्रीवियसली इट मीन्स प्रायोरिटी अगर हम दें तो बेसिकली इट इज हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर. इट मीन्स डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू टेक देयर फूड, बट सम मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ऑटोट्रॉपिक. लेकिन कुछ मेंबर्स इस ग्रुप के कैसे हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं. बट वेन दे डू नॉट गेट द सनलाइट, इट मीन्स इफ दे आर फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक है अगर वो लाइट नहीं मिल रही है, और कीमोसिंथेटिक है तो पर्टिकुलर केमिकल नहीं मिल रहा, देन दे एक्ट लाइक हेट्रोट्रॉपिक. तब ये फिर से किसकी तरह एक्ट करने लगते हैं, हेट्रोट्रॉप की तरह, और दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिज्म पर प्रीडेटर की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं. सो दिस इज अ स्पेशलिटी, दे आर ऑटोट्रॉपिक, बट व्हेन दे गेट डू नॉट गेट द फेवरेबल कंडीशन दे बिकम अगेन हेट्रोट्रॉप. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द प्लांट लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स. अब बात करते हैं कि रहते क्या है, हैबिटेट क्या है इनका. ओके, सो मॉइस्ट सॉइल्स में प्रेजेंट होंगे, डैम्प कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, डैम्प सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं, डिचेस में प्रेजेंट हो सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में. फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे. सो दिस इज द हैबिटेट. नाउ वी विल कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन मेंबर ऑफ यूग्लिनॉइड्स. दैट्स वाई द नेम इज गिवन टू दिस किंगडम, सॉरी दिस ग्रुप, that is यूग्लिनॉइड्स. it means it is यूग्लिना. when we will discuss about the यूग्लिना, the shape is specific type, एक flexible shape होती है. normally when we will discuss about this organism, the first thing we should remember that this organism do not have cell wall. हम ये दिमाग में अगर लेके चलें कि भाई ये plant की तरह तो cell wall होगी, cell wall नहीं होती. it has a cell membrane which is surrounded by a flexible layer, proteinaceous layer, that is pellicle. It gives a flexibility to the organism, that's why it can change its shape. जिससे ये थोड़ी बहुत अपनी शेप को चेंज कर सकता है. It means basically the flexibility of body because of this protein layer, that is pellicle. You can see that there is a groove-like structure, or we can say that there is a flask-shaped cavity in the anterior portion of this organism. This cavity is known as cytopharynx, and this cytopharynx opens by a opening outside, externally ek opening ke through khulta hai, that is known as a cytostome. In this cavity a thread like structure, from this cavity a thread like structure arises, that is known as flagella, and it is actually an organ which helps to do or to give the motility to this organism, jo us organism ko move karne mein, isko motility dene mein help karta hai. Nearby this organ another structure is also present, that is known as stigma. It is a very specific structure for this organism because it is we can say it is the photoreceptor organ of this organism. ye photoreceptor organism is or iska ek part hai, photoreceptor where it receives the sunlight and help to determine this organism it is light or dark. ek tarike se keh sakte ho ki ye keval ek wo part hai, eyes nahi hai, eyes ki tarah nahi hai, but eye spot like structure hai, aap eye spots bol sakte ho unko, जो यूग्लिना को हेल्प करती हैं डार्क और लाइट का पता कराने के लिए. नाउ विल कम इनसाइड द सेल. अब हम सेल के अंदर आते हैं. यू कैन सी दैट मार्जिनल साइटोप्लाज्म इज डिफरेंट एंड द इनर साइटोप्लाज्म इज डिफरेंट. यस, इट इज डिफरेंट. हाउ? द आउटर साइटोप्लाज्म इज सम हाउ डेंस, इट इज नोन एज एक्टोप्लाज्म, एंड द इनर साइटोप्लाज्म इज ग्रेन्यूलर, इट इज नोन एज एंडोप्लाज्म. Inside this endoplasm, some granular structures are present. These are called paramyelin granules. And actually, these are the stored food material of this
ऑर्गेनिज्म, ये स्टोर्ड फूड मटेरियल है ऑर्गेनिज्म के। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिट टू मेंटेन द वाटर ऑस्मोलरिटी एज वेल एज टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर। दिस इज अ कंप्लीट सेल बिकॉज द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड इनसाइड इट सो मेनी सेल ऑर्गेनाइल्स आर प्रेजेंट, गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, मेनी सेल ऑर्गेनाइल आर प्रेजेंट एंड बेसिकली बिकॉज इट हैज द क्लोरोफिल दैट्स व्हाई इट मस्ट हैव द सॉरी इट हैज क्लोरोप्लास्ट सो इट मस्ट हैव द क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल टू कैप्चर द सनलाइट बिकॉज समटाइम इट एक्ट लाइक अ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म सो इट हैज क्लोरोफिल ए एंड बी एंड इन सम यूग्लिना कैरेटिनॉइड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट टू trap the sunlight. So these are the pigments, these are the photosynthetic pigments which are present inside the chloroplast which are helpful to trap the sunlight and to do the photosynthesis. So this is about the structure of Euglena. Now we will discuss about the reproduction. Ab reproduction ka kya case hai inka wo discuss karte hain. So when we will discuss about the reproduction, because it is a very simple organism, so we can only see the asexual type of reproduction in organism. In favorable condition, when the conditions are favorable for the Euglena, they always divide by the binary fission. But when the conditions are unfavorable, not suitable, it start to form spores inside it. अपने अंदर छोटे छोटे spores बनाकर क्या करता है? Multiple fission. इट मीन्स द मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ओनली असेक्चुअल, और असेक्चुअल में भी या तो बाइनरी फिजन करेगा या फिर मल्टीपल फिजन करेगा। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ऑब्जर्व इसमें नहीं किया गया है। एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस ग्रुप दैट दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, वेन दे डोंट गेट द कंडीशन फॉर सिंथेसाइजिंग देयर फूड बाई देयर ओन, दे स्टार्ट टू एक्ट लाइक अ हेट्रोट्रॉप। दैट्स वाई इट इज अ स्पेसिफिक ग्रुप which is known as the link between plant and animal. And now we will discuss the last group of this kingdom protista, that is slime molds, which are actually called protistian plasmodium or protistian fungi. The next is slime molds. These are also called plasmodiums, plasmodial slime molds, or these are also known as protistian plasmodium. Don't confuse yourself, because we have already studied a plasmodium in protozoa, that plasmodium is the causative agent of malaria. This is different, and why we called it plasmodium I will discuss. Okay, एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको निकाल के देती हूँ जो उसके बारे में पूरा कुछ बता देगी। इट इज अ वॉल लेस मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म। वॉल लेस इट मीन्स कोई भी कवरिंग नहीं है, मास इट मीन्स क्लस्टर ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस वाले प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मीन्स न्यूक्लियोप्लास्ट प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का लिक्विड और सेल का लिक्विड दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म है ये, केवल प्रोटोप्लाज्म जिसमें कोई भी वॉल नहीं है, एक क्लस्टर है प्रोटोप्लाज्म का जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। अब ऑल द न्यूक्लियस विच आर प्रेजेंट इन इट, दीज ऑल आर डिप्लॉयड इन नेचर। सारे के सारे न्यूक्लियस कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। एक मैं माइन्यूट सी स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊँ तो लगभग इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, बहुत सिंपल एक क्लस्टर है, इसीलिए प्लाज्मोडियम बोला गया है इसे। सिंपल सा अनडिफरेंशिएटेड मास है जहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट है इस प्लाज्मोडियम में, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है। इतनी अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होने के बाद भी इट परफॉर्म सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं ये इतने अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होने के बाद भी। अब किस तरीके से होता है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कि भाई दे प्रोड्यूसेस फ्लैजेलेटेड गैमेट्स, फ्लैजेलेटेड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं ये जो आगे जाके फ्यूज होते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। इट मीन्स अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ बॉडी स्टिल शो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी इन इट्स लाइफ साइकिल, फिर भी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी शो करता है अपनी लाइफ साइकिल में। तो जब लाइफ साइकिल की बात हो ही रही है तो चलो इसकी लाइफ साइकिल को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो है क्या इसमें देखते हैं। सबसे पहले कोई भी एक डिप्लॉयड सेल इसकी शुरुआत करती है, ठीक है, डिप्लॉयड सेल है जो क्या कर रही है, इसकी शुरुआत कर रही है। अब जब शुरुआत कर रही है तो वो क्या करती है, पहले भाई किसी को भी कुछ काम करना है तो पहले क्या करेगा, वो फीड करेगा, उसके बाद में ग्रो करेगा, फिर उसके बाद में ये करते हैं माइटोसिस,
माइटोसिस ध्यान है ना सबको, इक्वेटेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, लेकिन कैसा, विदाउट साइटोकाइनेसिस। विदाउट साइटोकाइनेसिस का यहां पर मतलब है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा लेकिन उसके ऊपर कोई वॉल नहीं बनेगी, साइटोप्लाज्म का कोई डिवीजन होगा, डिवीजन नहीं होगा, तभी तो कंडीशन कैसी आई, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारी न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे लेकिन सेल नहीं डिवाइड होती है, ठीक है। अब जब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आ जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। इट मींस वॉललेस मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब ये क्या करेंगे भाई, अब ये हो गए पूरी तरह से डेवलप, और एक तरीके से देखें तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास है, तो इसकी स्ट्रक्चर को अमीबॉइड भी बोल सकते हैं, लाइक अमीबा। अब ये जब बड़े हो गए तो इनको भी खाना पीना चाहिए, खाने में क्या खा जाते हैं, फीड करते हैं बैक्टीरिया पर और बाकी ऑर्गेनिक मैटर पर, और फीड करने के बाद में माइटोसिस करके फिर से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब ग्रो कर लिया इन्होंने पूरी तरह से, ये क्या हो गए, अब मैच्योर, दे बिकम मैच्योर। आफ्टर मैच्योरिटी व्हेन द कंडीशंस बिकम अनफेवरेबल, जब मैच्योरिटी के बाद कंडीशंस इसको फेवरेबल नहीं मिलती हैं, इट मीन्स फूड की स्कार्सिटी है, ड्राई कंडीशंस हैं, तो क्या होता है कि प्लाज्मोडियम कई पार्ट्स में टूटकर छोटी छोटी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। दीज स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, एवरी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस अ फ्रूटिंग बॉडी, एक फ्रूटिंग बॉडी जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, एक तरीके से कह सकते हो स्पोरेंजिया है जिसके अंदर ये स्पोर्स बंद हैं। अब जब कंडीशन आती है फेवरेबल, जब ये फेवरेबल कंडीशन में, अभी इन अनफेवरेबल इन्होंने क्या बनाए, स्पोर्ट्स बनाए, अब जब कंडीशन फेवरेबल आएगी तो ये स्पोरेंजिया, ये फ्रूटिंग बॉडी बस्ट हो जाएगी एंड एवरी स्पोर्ट्स डेवलप इनटू गैमेट्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह के मेल फीमेल गैमेट्स में डेवलप हो जाएंगे। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज, जब मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो फिर से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, डिप्लॉयड सेल, जायगोट। इट मीन्स जहाँ से लाइफ साइकिल शुरू हुई थी वहीं पर जाकर खत्म हो गई। एक बार और बता देती हूँ मैं, सबसे पहले डिप्लॉयड सेल से शुरुआत होगी, सिंगल सेल इज देयर, दे फीड, देन दे ग्रो एंड बाई डूइंग द माइटोसिस विच डू नॉट हैव द स्टेज ऑफ साइटोकाइनेसिस, इट बिकम्स अ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम विच इज इरेगुलर इन शेप, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज अमीबॉइड। व्हेन दिस प्लाज्मोडियम become multinucleated, then it start to feed on bacteria as well as on organic matter and again divide by the help of mitosis and become grow and mature. When it become mature, during its unfavorable condition, it start to form the spore-like structure which are present in a fruiting body, and when the conditions become favorable, this fruiting body bust and the spore releases and changes into gametes. These gametes fuse together to form zygote and zygote again develops into a diploid cell. So this is the life cycle of plasmodium, not the malarial plasmodium, it is a slime mold plasmodium, it is a fungi. Okay, now we have completed the next kingdom of Whittaker, that is protista, and next class I am going to discuss the fungi. Till then, goodbye, have a beautiful day.